दोस्तों, सभी ANM आवर्तियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, 26 मई को देर रात ANM का रिजल्ट आयोग ने घोषित कर दिया। 9212 सीट के सापेक्ष 17,713 महिला अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन अर्थात DV के लिए चयन किया गया है। अभी कट ऑफ या मार्क जारी नहीं किया है। जिस हिसाब से पेपर था, ज़्यादा हाई मेरिट भी जाने की संभावना नहीं है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण को लेकर, किंतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या निर्देश व गाइडलाइन है इस भर्ती को लेकर, आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, AGB इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, DV के लिए 8 मई को आयोजित परीक्षा में बैठने वाली महिला अभ्यर्थियों में से 17,713 का चयन किया गया है। कुल पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थी भी नहीं है। कुल पद है 9,212 तथा DV के लिए 17,713 अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। अभी प्राप्तांक नंबर घोषित नहीं है, अतः यह नहीं पता कि मिनिमम कितने नंबर तक को DV हेतु योग्य माना गया है। परीक्षा में बैठने वाली अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा नहीं थी, अतः यह माना जा रहा है एग्जाम में प्राप्त सभी धनात्मक नंबर के अभ्यर्थियों को DV के लिए चयन किया गया है। मोटा मोटा कह लीजिए तो एक सीट पर 2 अभ्यर्थी हैं। दोस्तों, एक नज़र देखते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि UP SSC ने ANM की इस भर्ती के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा /2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा /2021-01 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल 9,212 पदों पर चयन हेतु यह भर्ती है। इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी योग्य हैं जो PET में सम्मिलित हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय 1 प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता धारित है या नहीं, यस या नो पर टिक करना अनिवार्य है। रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ भी सकती है। क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित तथा सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक को रखा गया है, जबकि विकलांग के लिए कोई पद नहीं है, 0 अंकित है। इस भर्ती के सभी पद 100% महिलाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, शैक्षिक व अन्य। आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 5 जनवरी 2022 तक धारित करना अपरिहार्य है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा तथा 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्ण अवश्य पूर्ण कर लिया हो तथा स्टेट मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो। 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए विज्ञापित कैलेंडर वर्ष में तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट प्रदान है। संविदा ANM को अधिकतम 5 वर्ष की आयु छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए केवल CMO द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें, एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। यह सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 के अनुसरण में की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर ANM के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों का अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। संविदा ANM द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा जहां पर लागू होगा। नियमावली के नियम 15 ख के अनुसार उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर ANM के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों अर्थात CMO के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। ST, OBC, EWS, फ्रीडम फाइटर आश्रित, भूतपूर्व सैनिक,
एवं विकलांग जन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा, अर्थात एससी एसटी ओबीसी जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य नहीं होगा, अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008 का 2/2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए तथा विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। जो अभ्यर्थी सेवारत अर्थात इन सर्विस हैं वे अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्देशित विधि से प्रस्तुत करेंगे। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी के अहर अनहर होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें आगामी निर्देशों व सूचनाओं के लिए। दोस्तों, आप किसी भी भर्ती के लिए जब आवेदन करते हैं तो भर्ती का विज्ञापन तथा नोटिफिकेशन को बारीकी से भली भांति पढ़ लिया करें जिससे भविष्य में कोई समस्या न हो। बाकी एजेबी इंडिया है ही आपकी समस्याओं डाउट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। भर्ती से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।